भारत के इतिहास में विस्फोटक का उल्लेख पहली बार अर्थशास्त्र में हुआ है। अशोका और उनके जैसे अन्य शांतिप्रिय राजाओं के शासन में इनके उपयोग को अनैतिक करार दे दिया गया था, परंतु 10वीं शताब्दी का भारत वर्चस्वता स्थापित करने का युग था और तभी हूण द्वारा विस्फोटक का भारत में प्रवेश हुआ। है ये पृथ्वी वल्लभ, कौन सी शक्ति है, किस राजकुल का खून दौड़ रहा है? वो सामान्य नहीं है। घासों की घाटी में मिला एक अनाथ बच्चा, उसके पास ऐसी असाधारण शक्ति? भूल हमारी है तैलब, मालवा की सुरक्षा में सेंध लगाने की योजना बनाते रहे, सिंहदंत के बारे में सूचना इकट्ठा करते रहे, पृथ्वी वल्लभ के बारे में तो हमारे गुप्तचरों को भी सूचना नहीं थी। हम सही आकलन नहीं लगा पाए तैलब। ये पृथ्वी वल्लभ इस समय हमारे और सिंहदंत के बीच सबसे बड़ी बाधा है। सबसे पहले हमें इस बाधा को खत्म करना होगा। गुरु आदित्य, हम चाहते हैं कि आप भिल्लमराज और उनके परिवार को मान्यखेत आने का निमंत्रण दें। भिल्लमराज? मालवा से युद्ध करने के लिए हम एक शक्तिशाली राज्य भी, युद्ध नीति और रणनीति में माहिर एक ऐसे मित्र की आवश्यकता है जो मान्यखेत का साथ दे सके। मालवा की सेना का सामना करने के लिए इस समय भिल्लमराज से अच्छा सेनापति और कोई नहीं है। अका, भिल्लमराज हमारे मित्र है, लेकिन वो मान्यखेत और मालवा की लड़ाई के बीच में क्यों आएंगे? उन्हें क्या जरूरत? जरूरत होती नहीं है तैलब, पैदा करनी पड़ती है। अगर जरूरत नहीं है तो पैदा करो। हमें मुंज के बालों से लेकर उसके पैरों के नाखून तक साक्षी हर सूचना चाहिए। वो क्या खाता है, क्या पीता है, उसके शस्त्र गुरु कौन है, वो सुख में कैसे रहता है, दुख से कैसे निपटता है, उसके मित्र कौन, उसके शत्रु कौन, उसका कवच कौन, यहाँ तक कि दिन में उसका हृदय कितनी बार धड़कता है, ये सूचना भी होनी चाहिए। सामकी से कहो कि उसे चित्रित करें, हम उसे देखना चाहते हैं। क्षमा चाहता हूं, अपराधी हूं आपका, आपके पत्नी की प्राणों की रक्षा न कर सका। मालवा की मिट्टी का प्रताप है जो आप जैसे वीर को जन्म दिया, इतनी करुणा भरी है। मेरी पत्नी का शोक मत मनाइए, आपने भी बहुतों की जान बचाई है। सेनाध्यक्ष कल्लारी आ रहे हैं। यहां से हिलेगा नहीं, सबको न्यायिक हिरासत में लिया जाता है।
बांधो इन्हें, जितना वादा किया था उतनी मुद्रा संभव नहीं। जी तालाबराज, भाई इन्हें सोता जी होगा उपकरे। बुलते घर थी थे, सेनाएं भरती थे। जी ये कह रहे हैं। वादा पूरा किया जाएगा। किया गया था ना अवश्य मिलेगा। लेकिन अक्का ये हार के लौटे हैं, हमारा भी नुकसान हुआ है। हमारे हाथ ना तो मालवा का एक प्रदेश लगा, ना लूट का माल और ना ही जीत की खुशी। आज तक कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं तुमने तैलब? 12। और जीते कितनी? 5। हमारे बगैर हारे कितनी? 7। तो क्या हमने आज तक तुम्हें अपना भाई मानने से इनकार किया? तो आप हमारी तुलना इन सबके साथ कर रही हैं। रणभूमि में कोई फर्क नहीं होता, वहाँ केवल वफादारी और तलवार की गति देखी जाती है। क्या राजा क्या सैनिक, दोनों ही योद्धा होते हैं। वचन वचन होता है तैलाब। ये लोग हमारी लड़ाई लड़ते हुए मरे हैं, हमारे लिए ये हमारे ही सैनिक है। अका किराए के सैनिक, हम राज परिषद को क्या जवाब देंगे? राज परिषद, तुम हो राज परिषद, तुम तैलब राज हो, तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना। मौर्य और गुप्त में भी आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने समान रूप से उत्तर और दक्षिण पर राज किया। हमारा सपना है, जो सिकंदर ना कर सका वो हमारा भाई करेगा। धनराशि पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। खुद भी पहन सकता हूँ। गुरु हैं आप मेरे, सब कुछ आप ही से सीखा है। कभी कभी शिष्य को भी सेवा का मौका दीजिए। चाटुकारिता मत करो पृथ्वी, मैं सब समझता हूँ। अब सारे निर्णय तुम स्वयं लेना चाहते हो। मालवा पर इतना बड़ा संकट आया था और तुमने अपने सेना अध्यक्ष को बताया तक नहीं, क्यों? क्योंकि जिस समय सूचना मिली मुझे लगा आपकी नींद में खलल पड़ जाएगा। बकवास। नहीं नहीं सचमुच मैं, अच्छा सत्य कहूं तो मैं केवल इस सूचना की सत्यता परखना चाहता था बस। और जब तक तुम उस सूचना की सत्यता परखते वो सूचना ही सत्य हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तुम मेरे प्रेम का नाजायज फायदा उठा रहे हो पृथ्वी। तब सेना प्रमुख भी तो आप ही ने बनाए। अगर उस युद्ध में पराजित हो जाते तो? ऐसे कैसे पराजित हो जाता? मालवा के वीर सेना अध्यक्ष कल्लारी का शिष्य, इसलिए मनमानी करते हो। वैसे किसके आदेश पर शत्रु को तुमने वापस जाने दिया? ये रसनिधि। रसनिधि? हाँ उसी ने सलाह दी थी। लगता है कि मेरी इतनी हिम्मत कि मैं मालवा के राजकुमार को युद्ध नीति में सलाह दूं? समझ में नहीं आता तुम कवियों को अपने साथ क्यों रखता है ये पृथ्वी। जमीन पर तो तुम्हारे पांव रहते नहीं और कल्पना के सहारे राजनीति नहीं की जा सकती।
तुमसे बहुत स्नेह करता हूं, इसलिए तुम्हारे लिए बेवकूफ भी बन सकता हूं, परंतु महाराज को क्या जवाब दोगे? पता नहीं क्यों पृथ्वी, कभी कभी मुझे लगता है कहीं ये तुम्हारे हंसी मजाक की भारी कीमत एक दिन मालवा को ना चुकानी पड़े। किसने भेजा था उन लोगों को? मान्यकेट। मान्यकेट? वल्लभ का चित्र तैयार है। समर्थ हो, महाबली विल्लम सह परिवार आ चुके हैं, राजकक्ष में आपका इंतजार हो रहा है। विल्लम राज, आपका स्वागत करते हुए मान्यखेट खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा शूरवीर हमारा मेहमान है। हमारे लिए भी गौरव और सम्मान का प्रतीक है तैलबराज। आप दोनों को एक साथ में देखकर ऐसा लग रहा है कि हम अपने मायके में ही हैं। राजकाज के उठा पटक में हम तो भूल ही गए थे कि हमारी एक चचेरी बहन भी है। सही कहा आपने, इन राजनीतिक झंझटों ने हमारे बीच एक अनचाही से दूरी बना दी। बहने हैं फिर भी इतने समय पश्चात में रहे। आपका आभार प्रकट करती हूँ तैलबराज, आपके निमंत्रण ने दोबारा से हम दो बहनों को मिला दिया। यही एक नुकसान है महारानी होने का। महाराज के पास दरबारियों और प्रजा के लिए तो समय होता है, लेकिन रानी के लिए नहीं। उनका आधा समय राज्य के कार्य में बीत जाता है और बाकी समय युद्ध में। आप ऐसा कह रही, ये बात मुझे सही नहीं लगी। तैलबराज के पास तो ढेर सारा समय होना चाहिए आपके लिए। मैंने सुना है मान्यखेट का सारा राजकाज तो राजकुमारी मृणाल संभालती। वो बड़ी है तो तैलबराज की सहायता करती है। विलास पति कहाँ है? विलास, ये तो थी हमारे साथ। विलास, देखिए नाम लिया और आ गई। विलास चरण स्पर्श करो। जीती रहो। आयुष्मान भाव। तुम्हारी मौसी है, तुम बहुत छोटी थी जब इन्होंने तुम्हें देखा। वही नए नक्श, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। हम ना बदले हैं ना बदलेंगे। सब यही कहते हैं। मृणाल बुआ कहाँ है? क्यों, हम मिलने योग्य नहीं हैं? नहीं नहीं, हम वो नहीं कह रहे थे। हमें तो ये जानने की उत्सुकता है कि एक वीरांगना दिखती कैसे होंगी। सुना है वो पुरुषों से भी अच्छी योद्धा है। हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम भी तुमसे मिलना चाहते हैं। हे
ये जो तुम अपनी मनमानी करते फिरते हो, इसका क्या उपाय है? कहा ना पिताजी, मैं सेनाध्यक्ष की नींद में खलल नहीं डालना चाहता था। वो सब छोड़ो, ये बताओ शादी कब करोगे? उस साल बाद सिंधु के पुत्र भोज की शादी का समय भी हो जाएगा। पिताजी, आसपास की राजकुमारियां तुम्हारे न्योते का इंतजार कर रही हैं पृथ्वी। तब भी मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। पिता को स्नान कराने का समय है, लेकिन अपने लिए जीवन साथी ढूंढने का समय नहीं है। तुम्हें बताना पड़ेगा पृथ्वी की सत्य क्या है। आपको मेरी सौगंध है पिताजी, बस। सौगंध दे के फंसा देते हो मुझे। खुश रहो। जानती कि आप क्या है हमारे लिए। हमने आपके बारे में सुन सुनकर ही तय कर लिया था कि हम आपकी तरह बनेंगे, और आज आपको देखे तो ये तय हो गया कि हम बड़े होकर सिर्फ और सिर्फ आपकी तरह बनेंगे। आपको पता है लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? सुना है राजकुमारी मृणालवती फूलों सी कोमल है और वज्र सी कठोर, शीतल है जल जैसी तो आग है ज्वालामुखी की, शत्रुओं के सर पर लटकती तलवार है और अपनों के लिए अमृत की धार है। तो तुम हमारी तरह बनना चाहती हो और हम तुम्हारे पिता समान, जो अस्त्र क्षेत्र के ज्ञाता हैं, राजनीति में जिनका पांडित्य सबको स्वीकार्य है, जिनकी युद्ध नीति पर कभी कोई संदेह नहीं करता, और वो स्वयं हमारे सम्माननीय हैं। ये आप क्या कर रही हैं राजकुमारी? वही कर रहे हैं जो एक राजा के, एक वीर योद्धा के सम्मान में करना चाहिए। आप इसके ना केवल हकदार हैं, बल्कि आपका सम्मान करने का अवसर जिस किसी को भी मिले, ये उसके लिए गर्व की बात है। ये तो आपका बड़प्पन है। हमने सुना है कि आप अपने मित्रों के लिए अमृत और शत्रुओं के लिए काल हैं। मैंने भी सुना है कि राजकुमारी मृणाल शक्ति और संस्कार की प्रतिमूर्ति है। सत्ता उसी को शोभा देती है जिसमें संस्कार शोभित हो। आप में दोनों हैं। आपका स्वागत है। हम चाहते तो केवल भिल्लम राज को आमंत्रित करते और ये सारी बातें हो जाती, लेकिन लक्ष्मी को आमंत्रित करने के पीछे हमारा एक स्वार्थ है। स्वार्थ? हम आपके पास समझे नहीं। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा विश्राम कीजिए। इस राजमहल की सेवाओं का आनंद उठाइए, हम बाद में आपको अपना स्वार्थ अवश्य बताएंगे। जी। भिल्लम राज, हम आपसे एक आवश्यक बात करना चाहते हैं। तैलब का बेटा कुछ ही दिनों में गुरुकुल से लौटने वाला है। हम अगले साल उसका विवाह करवाना चाहते हैं, और हमें सत्याश्रय के लिए विलासवती पसंद है। क्या हमें उसका कन्यादान मिल सकता है? विलास मान्यखेट की राजवधु बने, मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? हमें यही आशा थी, और हम चाहते हैं कि विलास हमारे साथ यहाँ मान्यखेट में कुछ समय रुके। हम मान्यखेट की भविष्य में होने वाली महारानी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। विलास अभी से आपकी बेटी हुई। हमें आपकी बेटी के साथ आपकी तलवार भी चाहिए। राजकुमारी, आज से देवगिरी और मान्यखेट एक ही है। हमें आपकी मदद की आवश्यकता है भिल्लम राज। शत्रु कौन है? मालवा, सिंहदंत। एक उपाय है, अगर रास्ता थोड़ा अनुचित और युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। अब युद्ध में नियम बचे ही कहां हैं भिल्लम राज? दीपावली की रात को हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था उस मालवा नरेश सिंह दंत ने। मालवा के संदर्भ में अब कुछ भी अवैध और अनुचित नहीं है।
मैं आपके साथ हूँ राजकुमारी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे राज्य के पहाड़ी इलाकों में कुछ हूँ चोरी छिपे रह रहे थे। हमने उन्हें खोजने का बीड़ा उठाया और गश्ती दल लेकर जैसे ही पहुंचे तो हमने देखा। अभी इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इनका कहना यह है कि ये ऐसे विस्फोटक बना सकते हैं कि नगर के नगर उड़ा दें। हम भी देखना चाहते हैं कि क्या ये विस्फोटक हमारे प्रतिशोध की अग्नि को बुझा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया के ही नहीं हो। ये महल, ये राजसत्ता, ये राजनीति, इनमें तुम्हारा क्या काम? और चेते है भाग कर जाऊं भी तो कहां मित्र, मुझे तो इसी में आनंद आता है। इस जीवन में इसके कोलाहल, इसकी आपाधापी, इसके उतार चढ़ाव, इसी में आनंद आता है। अगर कोलाहल में इतना ही आनंद आता है तो विवाह कर लो। सारे मालवा को एक ही चिंता खा जा रही है ना, पृथ्वी वल्लभ के विवाह की। वो तो है, अब तुम जैसे पुरुष का ऐसे आजाद घूमना समाज के लिए हानिकारक भी तो हो सकता है ना। विवाह का अपने में कोई महत्व नहीं है मित्र, पहले कोई बंधन तो मिले बनने लायक। वो आंखें प्रेम में अंधी आंखें, जिस दिन मुझे मेरी मूर्ति की आंखें मिलेंगी वो आंखें, जिन्हें मेरी कला वर्षों से ढूंढ रही है वो आंखें, जो मुझे सचमुच पागल करते हैं, जिस दिन वो आंखें मुझे मिलेंगी उस दिन मेरी खोज खत्म होगी दोस्त। ये तुम्हारी राजकुमारियां, ये सब मेरे रूप और बल से प्रभावित है, इनमें मुझे प्रेम दिखाई नहीं देता। ऐसा कोई जो नफरत के शोलों पर भी बैठा हो तो मेरा मन मेरा दिल उसे पुकारने के लिए तड़प उठे, पागल हो जाए। ऐसा कोई तो इस वर्ष रंगोत्सव में मुझे बहुत सतर्कता से ढूंढना पड़ेगा उन्हें, तो इस मूर्ति की आंखें बन सके। क्षमा चाहती हूँ महारानी, आपको मेरी वो बात बुरी लगी, परंतु विश्वास कीजिए मैंने केवल वही कहा जो राजकुमारी मृणाल के विषय में सुना था। मुझे दैलप राज के सामर्थ्य पे कोई संदेह नहीं।
दैलपराज से जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि मैं माननीय खेत की महारानी बन रही हूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी शादी तो एक कमजोर भाई से हो रही है जो अपनी बहन की इशारों पर नाचता है। आपको बताना भूल गई महारानी, राजकुमारी मृणाल चाहती हैं कि आपके पुत्र सत्याश्रय और मेरी बेटी विलास का विवाह। मुझे थोड़ी सी ये बात मुझे भी सुनकर ऐसे ही विचित्र लगा था। सत्याश्रय की माता तो आप हैं और उसके लिए फैसले कोई और ले रहा है। ये बात कब हुई? आज ही राजकुमारी मृणाल ये प्रस्ताव लेकर आई थी। खैर, इस विषय में अधिक बात करना अभी जल्दबाजी होगी। वैसे मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रही थी महारानी, यदि आप बुरा ना माने तो। हाँ पूछो, तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुना है गोदावरी के पार जो कोठा है वहां पर कोई नाचने वाली है कोशा नाम की। सुना है उसका अफवाह है ये, और मैं तो ये कोशा नाम पहली बार सुन रही हूं। और इससे तैलपराज का क्या लेना देना है? तैलपराज? मैंने तो तैलपराज का नाम ही नहीं लिया महारानी। रात बहुत हो चुकी है, विश्राम के लिए प्रस्थान कीजिए। घर ही जाऊंगी अगर आहिस्ता तो रहे सामने मेरे तू बिखर जाने तक, बिजली बन के चमक जाऊं किसी वादी में।
मुझे देखे मेरी खाक में मिल जाने तक। सुना है इश्क एक दरिया है आपका, जिसमें डूबे बिना उसे पार नहीं कर सकते। हम भी आज डूब कर देखेंगे। कर देखेंगे उस आग के दरिया पर जो हमसे होकर आप तक पहुंचता है। कोशा रुक जाओ। मेरी सांसों को आपकी बाहों का सहारा दे दीजिए। ये मेरे शरीर का बोझ उठा नहीं पा रही है। कोशा तुम्हें मेरी कसम रुक जाओ। ये क्या पागलपन है? आप इसे पागलपन कहते हैं मेरे मालिक? यही पागलपन तो हमारे जीने का सहारा है। आप इसी तरह आते रहिए, हमारी सांसों को नई जिंदगी मिल जाती है। माफ कर दो हमें। रोकिए मत। बड़ी मन्नतों के बाद इस चेहरे के दर्शन होते हैं और आज मेरी मन्नत पूरी हुई है। कैसी मन्नत? अपने देवता के दर्शन की। परादेव से मन्नत मांगी थी और उन्होंने आपको मेरे पास भेज दिया। कल उन्होंने अपना वचन पूरा किया तो आज मैं अपना वचन निभाने चली गई। धन्यवाद देने गई थी वरादेव को और आपकी विजय की कामना करने। तो आज क्या मांगा तुमने वरादेव से? यही कि आप हमें और न तड़पाएं, चाहे तो जल्दी वापस आने के लिए तो कभी ना दूर जाने के लिए। आपके इंतजार में दिन बीत जाए और आपके आगोश में रातें थम जाए। लगता है आपके इंतजार का समय शुरू हो गया है। शायद इस रोशनी को हमारा साथ गंवारा नहीं है। आपकी रोशनी पर ना सही। आपके अंधेरे पर तो हमारा अधिकार है। इस उजाले को तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लें, लेकिन आपके ना होने पर
जो अंधेरा छा जाता है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। मुझे जाना होगा कोशा। आंखों को हमारे कुछ भी नहीं मंजूर आपके दीदार के सिवा, और किस्मत में हमारे कुछ भी नहीं आपके इंतजार के सिवा। महाराज, इन मसाही सैनिकों को भेजने वाली मान्या खेट की राजकुमारी मृणाल है। मृणाल और उसका भाई दलपराज दक्षिण विजयबाद मालवा को जीतकर पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं। महाराज, महाराज ये बात अलग है कि मसाई सैनिकों के हमले की वजह से मालवा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर कुछ विरुद्ध परिणाम आता तो? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं महाराज कि पृथ्वी अपने निर्णय लेने के पहले हम सबको उसमें सम्मिलित करें। मैं तो ऐसी बात सोचकर ही भयभीत हो जाता हूं। आप तो हमेशा ही भयभीत हो जाते हैं महाकाल। मैं भयभीत हो जाता हूं क्योंकि अब राजकुमार अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या मसाई सैनिकों के हमले की सूचना देना पृथ्वी का कर्तव्य नहीं था? महाकाय का भय हम सबका भय है। मसाई सैनिकों से अकेले युद्ध करना समझदारी का परिचायक नहीं बल्कि मनमानी का प्रतीक है। मालवा के नियमों के विरुद्ध राजित पृथ्वी भूल रहे हैं। वो अभी तक महाराज नहीं बने, और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले सबको सूचित करना मालवा के नियमों के अंतर्गत है। लेकिन पृथ्वी ने मालवा के नियमों की अवहेलना की है और खुद सेना का सामना किया, इसलिए महाराज मैं चाहूंगा कि पृथ्वी अपने अपराध को स्वीकार करें और हम सबसे क्षमा मांगे। सावधान महाकाय। पागलपन है पृथ्वी। पागलपन तो आप कर रहे हैं माता है। अरे दरबार में जब मालवा नरेश मौजूद हो हथियार निकालना अपराध है। क्षमा करें महाराज, अगर मैं कटारनी निकालता तो घायल हो सकता था। क्षमा करें महाराज, अगर मैं हथियार ना निकालता और सेनाध्यक्ष को सूचना करने जाता तो मालवा घायल हो जाता। प्रबल थे, वक्त बहुत कम और जाने बहुत ज्यादा। मालवा की रक्षा का वही एकमात्र विकल्प था महाराज। आगे की कार्यवाही की जाए। महाराज, सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले दिनों में जो वार्षिक रंग उत्सव शुरू होने वाला है उसे स्थगित करना ही उचित होगा। रंगोत्सव के लिए समय अनुकूल नहीं है महाराज। रंगोत्सव के प्रभारी रसनिधि है, राय आवश्यक है। महाराज, हमारा यह रंगोत्सव हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है, शांति का प्रचार व प्रसार करता है। ओलंपिया से सीरिया तक हमारे इस रंगोत्सव की प्रतीक्षा रहती है। क्षमा करें महाराज, हमें रंगोत्सव रद्द नहीं करना चाहिए। रसनिधि ठीक कह रहे महाराज, हमें रंगोत्सव रद्द नहीं करना चाहिए। अगर कुछ अनहोनी घटी तो कौन जिम्मेवार होगा? अगर मैं सफल ना हुआ तो सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या कह रहे हो पृथ्वी, अगर कोई अनहोनी घट ही गई तुम्हारे इस्तीफा देने से क्या होगा? क्यों पिताजी, हमारा प्रस्ताव है कि रंगोत्सव रद्द किया जाए। तीन दिन बाद रंगोत्सव आरंभ होगा, इसकी घोषणा की जाए।
तैलब कहाँ है? आप बहुत अधिक चिंतित लग रहे हैं महाराज। उसकी आंखों में नफरत और प्रतिशोध की आग थी। एक पल के लिए भी भूल नहीं पाया मैं। ये अच्छा नहीं है। राजकुमारी, ये लोग तैयार हैं। विस्फोटक बना सकते हैं एक शहर को उड़ाने के लिए, ध्वस्त करने के लिए कितने विस्फोटक लगेंगे और कितना समय लगेगा? 3 दिन का समय लगेगा। ठीक है, लेकिन 3 दिन से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। इनके लिए खजाने के द्वार खोल दो, इन्हें जो चाहिए उपलब्ध कराओ और हमारे जाने की तैयारी करो। कहाँ जा रही हो मिनाल? मालवा। दोबारा आएगी, मेरे कर्मों का फल मालवा पर श्राप बनकर फैलेगा, श्राप बनकर फैलेगा। हम अपने हाथों से मालवा को दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा देंगे। मालवा को मिट्टी में मिला देंगे।